नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का मेरा ये वीडियो है जुलाई 2020 यानी अगले माह की संभावित घटनाओं को लेकर। अभी 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ा था, जिसका असर जैसा कि मैंने बताया था कि करीब 3.5 माह तक रहेगा। गुरु जो कि अभी वक्री चल रहे हैं, 30 जून से धनु राशि में लौट आएंगे। शनि अभी भी वक्री रहेंगे। मुझे जो ग्रहों की व्यवस्था वर्तमान में दिख रही है, साथ साथ सूर्य ग्रहण का असर, ये सब जुलाई में थोड़ी परिस्थितियों को कठिन होने का संकेत देते हैं। जुलाई माह में अशांति का वातावरण भी रहेगा। मिड जुलाई से पाकिस्तान में अशांति का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। चीन के लिए भी दिक्कतें अभी और बढ़ेंगी। भारत की आंतरिक व्यवस्था को खराब करने के प्रयास होंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी लोगों को। एकाध विपक्षी दलों को छोड़कर अन्य सभी विपक्षी दल सरकार का साथ देंगे। मिड जुलाई से, जैसा मैंने बताया कि अशांति का वातावरण बनेगा पाकिस्तान में खास तौर पर, और इस अशांति के वातावरण का चरम वह सितंबर या अक्टूबर तक दिखाई पड़ेगा, और तब प्रबलतम संभावना रहेगी युद्ध की। पीओके को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल सकता है, ऐसे योग बनते हैं। न सिर्फ भारत पाक, भारत चीन, बल्कि श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल में भी ये अशांति दिखाई पड़ेगी। सूर्य ग्रहण के मित्रों प्रभाव से अरब देशों में भी थोड़ी दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं। चीन के सामने हांगकांग का मामला बड़ी विकट चुनौती के रूप में उभरेगा। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होगी और अक्टूबर तक संभावना है कि ये मसला इतना बढ़ जाए कि हांगकांग से चीन हार दो बैठे, इस बात की ऐसी संभावना दिखती है। विश्व व भारत में प्राकृतिक आपदाओं के स्पष्ट संकेत हैं। पूर्वी भारत में बरसात का उपद्रवी रूप देखने को मिल सकता है। बाढ़ आदि से जबरदस्त जान माल का नुकसान की संभावना दिखती है। यही हाल दिल्ली, हरियाणा, काश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल का भी दिखता है। हालांकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वर्षा का तांडव तो नज़र नहीं आता, सामान्य वर्षा के योग हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह के बाद वर्षा में तेजी आएगी। गुजरात, महाराष्ट्र में सामान्य से कम ही वर्षा की संभावना दिख रही है। जुलाई में जन असंतोष की मित्रों संभावना ज़्यादा दिखाई पड़ती है। कृषक वर्ग में भी असंतुष्टि रहेगी। सरकार कुछ टैक्स का भार जनता पर डालेगी, इससे सांसद में भी हंगामे की, तनातनी की स्थिति दिखाई पड़ेगी। आम जनता को थोड़ी तकलीफें अभी सहनी पड़ेंगी। शिक्षा को लेकर भी जनता आक्रोशित होगी। अर्थव्यवस्था की स्थिति अभी कुछ खास बदलने वाली नहीं। अभी करीब 10 महीनों तक का वक्त लगेगा अर्थव्यवस्था के सुधार में। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति का उपद्रव कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। राजनीतिक उठापटक से भरा रहेगा जुलाई माह। कुछ राज्यों में अशांति की स्थिति ज़्यादा देखने को रहेगी मिलेगी। सरकारों को जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। धार्मिक उन्माद बढ़ने के योग भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अब गुरु पुनः धनु राशि में, जो कि धर्म की राशि है, धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे 30 जून से। गुरु वक्री हैं और प्लूटो से युति भी है इनकी, इसलिए धार्मिक व शैक्षिक क्षेत्र में दिक्कतें तो खड़ी करेंगे ही। ये युति अन्य कई तरह से भी अपना अशुभ प्रभाव दिखलाएगी। 20 नवंबर तक गुरु को धनु में ही रहना है, और ये कालखंड देश की जनता को थोड़ा संभल कर चलने का रहेगा। नवंबर के बाद पुनः गुरु शनि युति होगी मकर में। मित्रों, गुरु शनि युति सामाजिक व्यवस्था पर भी बहुत प्रभाव डालती है।
लोगों की सोच बदलती है, परिवर्तन का भी ये कालखंड रहता है, ये परिवर्तन मान्यताओं का भी हो सकता है, इसलिए जनता कुछ अलग तरह की सोच रखेगी या यूँ कहें कि प्राच्य जीवन शैली से प्रभावित होकर अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करेगी। तो इस तरह का मैंने ये जुलाई का हाल बताया और यहीं पे अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।